चलिए दिशा परीक्षण पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले जो है हमें इसमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। चलो हम आपको दिशाओं के बारे में बताते हैं किस तरीके से हमें दिशाओं को याद रखना चाहिए और राइट और लेफ्ट किस तरह याद रखना चाहिए। चलिए बताते हैं, चलिए हम बताते हैं। ठीक, सबसे पहले जो है हम एग्जांपल से समझाते हैं। माना इसमें ये लिखा है, हम अपनी भाषा में समझाते हैं पहले से, आप पढ़ लीजिए। से हम जो है सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, सूरज जहाँ से निकलता है उस तरफ मुंह करके हम खड़े हैं। ठीक, सूरज यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये जानते हैं आप पूरब होता है। ठीक, पूरब। ठीक, आप इस तरफ घूम कर खड़े हैं। ठीक, आपके पीछे हो जाएगा पश्चिम। ठीक, पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया। आप जब सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं तो उस ओर जो होगा पूरब, सूरज यानी कि सुबह उठे सूर्य उदय के समय आप सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं, और आपके पीछे जो अपोजिट साइड में होगा वो पश्चिम होगा, और आपके जो के नाम है उल्टे हाथ की तरफ होगा यानी कि गंदा हाथ, यानी कि आप ज़्यादातर उसे वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह याद रखें आप, उस साइड पर जो होगा ये इसी को लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट यानी कि बुरा, उल्टा हाथ, उल्टे हाथ पे, उल्टा हाथ, लेफ्ट बुरा गंदा, इस तरीके से याद करिए। उल्टा, उत्तर, उत्तर के लोग वैसे भी गंदे ही होते हैं, ये अंधे भी होते हैं और गंदे भी होते हैं। मैं भी उत्तर में रहता हूँ, और दक्षिण में आप देख सकते हैं, दक्षिण में विकास और तालीम देखिए उनकी, हर फील्ड में मिलेंगे उत्तर से आगे वो। ठीक, ये हो गया, फिर से समझिए एक बार, फिर से जो है समझिए। आप सुबह उठे, सुबह सुबह उठे और आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो जो सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आपको पता है कि सुबह पूरब से ही सूरज निकलता है। ठीक, उसके पीछे आपकी पीठ की ओर जो होगा पश्चिम होगा। ठीक, पश्चिम हो गया, और फिर आप इस तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आपका उल्टा हाथ पड़ेगा यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट बोलते हैं उल्टे हाथ को, बुरा, बुरा यानी कि कम इस्तेमाल होने वाला हाथ, गंदा। ठीक, उत्तर, उसी ओर उत्तर होगा ऊपर को। ठीक, जब आप सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं उल्टे हाथ पर उत्तर होगा। ठीक, और उसके अपोजिट आप जानते हैं, अपोजिट ही होंगे एक दूसरे के, नीचे हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, दक्षिण हो जाएगा। ठीक, दक्षिण हो जाएगा, और इसके आगे अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इसकी के नाम है बीच में जो दिशाएं होती हैं, ये यहाँ 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 पर यहाँ पर, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब, बीच में जो पढ़ रहे हैं वो, बीच में इन दोनों को मिक्स करना है। कोई कहे पूरब उत्तर तो इसके बीच में है वो पूर्व उत्तर। ठीक है, पूर्व दक्षिण, ये बीच में आ गया इसके, दक्षिण पूरब, इसके बीच में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या नाम है उत्तर पूरब। ठीक है, ऐसे समझ लिए। अब इसमें कोण बनते हैं, वो 90 अंश, 90 डिग्री के ये समय बन जाएंगे चारों में। ठीक है, 360 डिग्री टोटल हो जाएगा, 360 डिग्री के कोण बनेंगे, पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री। कहते हैं ना लोग शेर मारते हैं, कहते हैं कि 360 डिग्री घुमा देंगे तुझे हम, उसी तरीके से 360 डिग्री इतने पर घूम के 360 डिग्री हो जाता है ये, और इसमें से जब 90 में से आधे करेंगे तो 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी हिसाब से जिस हिसाब से हम बांटते जाएंगे उसी हिसाब से वो आधा होता जाएंगे। ठीक, 90 90, ये सब में 90 90 डिग्री होगा, और इसमें भी आधा आधा करेंगे तो 45 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये समझ गए, अब आगे चलते हैं। ठीक, अब परछाई, परछाई के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, परछाई पर जो हैं बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक, परछाई पर है जो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। परछाई यदि मान लो तुम सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो, ठीक है,
पूरब की ओर ठीक, और परछाई आपकी विपरीत बनेगी यानी कि पश्चिम में बनेगी। परछाई हमेशा विपरीत में बनती है, यदि लाइट पीछे से पड़ रही है तो परछाई आगे बनेगी, और उसी ओर चल रहे हम कभी कभी परछाई आपको दिखेगी भी दिखेगी, इसलिए कि आपके पीछे से पड़ रही है लाइट तो आपको आगे दिखेगी वो परछाई। और दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती, क्योंकि पृथ्वी पर जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, पृथ्वी पर जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं ठीक। पृथ्वी पर 12 बजे किसी तरीके की कि नाम है परछाई नहीं बनती, ये याद रखो 12 बजे। अगर फिर के नाम है थर्ड नंबर पर अगर कोई व्यक्ति तो अपनी परछाई नहीं देख पा रहा है तो वह परछाई के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। मान लो तुम सूरज की तरफ देख रहे हो तो परछाई तो तुम्हारे पीछे बनेगी, तुम कैसे देख सकते हो इसी तरीके। चलो अब उत्तर के नाम क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक, क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए ठीक, ये आ गया ठीक। अब हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, ताकि सबसे पहले है जो हम दिशाओं का मैप बना लेंगे इस तरीके से ठीक। हमने बताया था कि सूरज की ओर पूरब सुबह के समय, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ठीक है। दक्षिण मैप बना लिया हमने, छोटा बना लिया मैंने तो अपने हिसाब से बनाया ठीक है। सबसे पहले मैप बन जाएगा। अब बहुत ही ज़्यादा सहूलियत के साथ प्रश्न को पढ़िए, बहुत ही सहूलियत के साथ प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को हम पढ़ते हैं ठीक। यदि किसी घड़ी में 12:15 बजे हैं, 12:15 इस तरह समझिए, पहले हम घड़ी बना लेंगे, ये 12:15 बजे हैं, 3, 2, 1 12 ठीक है। ठीक ये घड़ी बन गई हमारी ठीक, घड़ी बना लेते हैं ठीक। और घंटे वाली सुई पूरब की ओर है, ये बोल रहे हैं घंटे वाली जो सुई है वो पूरब की ओर है, घंटे वाली सुई क्वेश्चन के हिसाब से चलो ना, पूरब की ओर बोल रहे हैं, ये पूरब की ओर है ठीक है। पूरब हो गया, उन्होंने कह दिया इस तरह पूरब है तो हमने शोर मान लिया पूरब, क्यों हमें प्रश्न ही तो सॉल्व करना है, हमें याद करना है किस लिए, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ठीक। इसके क्या नाम है अपोजिट में पश्चिम हो जाएगा ठीक, पश्चिम हो जाएगा की ओर इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई विपरीत दिशा कौन सी होगी ठीक है, विपरीत दिशा पूछ रहे हैं। जब हमें पूरब मालूम चल गया है तो हम पश्चिम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट हो जाएगा ये ठीक, पूरब इसका क्या नाम है अपोजिट हो जाएगा। फिर हम उत्तर और दक्षिण दोनों निकाल सकते हैं, फिर इसका क्या नाम है दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण सभा पर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये जो है उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ठीक, उत्तर हो जाएगा ठीक। अब कह रहा है मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी, मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी, तो क्या नाम है मिनट वाली सुई के विपरीत, विपरीत यानी कि अपोजिट पीछे, इसके पीछे जो दिशा है यही तो है पीछे, ये दक्षिण हो गई ये उत्तर हो गई, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगी ठीक। समझे ना, पहले हमें मैप बनाना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने एक बार सरसरी निगाह से, फिर हमें मैप बनाना है। पूरब पश्चिम, पूरब हमेशा के नाम है सूरज की तरफ होगा, और आपके उल्टे हाथ पे उत्तर होगा और सीधे हाथ पे राइट हाथ पे दक्षिण होगा, और आपके पूरब की अपोजिट साइड में के नाम है पश्चिम होगा ठीक है। ये बता दियो, प्रश्न बोल रहा है कि हम पूरब, पूरब की ओर घंटे वाली सुई, जब हमें पूरब की ओर घंटे वाली सुई पता चल चुकी है तो हम पश्चिम भी निकाल सकते हैं, पश्चिम इसके अपोजिट हो जाएगा, जब इसके ये अपोजिट हो जाएगा तो उत्तर दक्षिण भी हम निकाल सकते हैं, तो उत्तर दक्षिण इसी हिसाब से इस मैप के अनुसार ही हम निकाल देंगे। दक्षिण इसका क्या नाम हो जाएगा सीधे हाथ पे, सीधे हाथ पे जब पूरब की ओर तुम मुंह करके खड़े हो, समझ लो सुई, समझ लो खुद ही खड़े हो तुम,
जिस सुई को तुम समझ लो तुम इसी तरफ देख रहे हो, ठीक। तुम्हारे पीछे पश्चिम है और तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ दक्षिण और उल्टे हाथ की तरफ उत्तर है, ठीक। लेफ्ट हाथ लेफ्ट साइड में क्या नाम है उत्तर है और राइट साइड में दक्षिण है, ठीक। ये हो गया। तो 12:15 बज रहे हैं तो पूछ कह रहे हैं कि मिनट वाली सुई की विपरीत दिशा इसकी विपरीत हो जाएगी उत्तर, तो उत्तर दिशा इसकी आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं अब, ठीक है। सुदेश सुबह सुबह इस तरह चलना शुरू करता है कि उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही थी, उसकी परछाई जो है उसके सामने पड़ रही थी। वो पूरब की ओर मैप बना लेते हैं, ठीक है। पूरब, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, पश्चिम, मैं बन गया। ये इस ओर से चल रहा है पूरब से, ठीक है। पूरब से इसने चलना शुरू किया, ठीक है। पूरब से इसने चलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ता। बाएं आपका कौन सा होगा, बाएं आपका कौन सा होगा, बाएं नीचे को मुड़ता है, ठीक। बाएं वो नीचे को मुड़ता है, ठीक। 10 मीटर, फिर 10 मीटर चलता है, फिर मुड़ता है, फिर दान बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। थोड़ी देर बाद वह 45 दाएं मुड़ता है, 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। चलो जो सीधा कर लो, ठीक। ये है 45 डिग्री, ये हो जाता है, ठीक है। ये कौन सी दिशा बन रही है तुम देखो, यहाँ दक्षिण पूर्व बन रही है ना, ये 90 डिग्री 45 डिग्री मुड़ रहा है ना, 45 डिग्री मुड़ गया। ज़्यादा मुड़ता तो उतने पर हो जाता, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। आप दिख नहीं रहा ये, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये भी सिंपल है, ठीक। पूरब से पश्चिम की ओर बह रही नदी में एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है। पूरब से बह रही है एक नदी, ठीक है। पूरब से एक नदी बह रही है इस तरफ से, ठीक है। इस तरफ को नदी बह रही है, ठीक। और दक्षिण की ओर से जो है हवा चल रही है, दिशा से हवा बह रही है, ठीक है। और लकड़ी का टुकड़ा जो है बह रहा है पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक। लकड़ी का टुकड़ा इसी दिशा में बह रहा है हवा की दिशा में, ठीक है। और हवाएं चल रही हूँ दक्षिण से उत्तर, ठीक है। दक्षिण से उत्तर मान लो यहाँ से तुमने गिलास से पानी डाले हैं कहीं ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करके, ठीक है। और फिर क्या नाम है भाप बनाते हैं एक ढलान सी, फिर आप यहाँ से फूंक मारते हैं तो वो उस तरफ को जाने की कोशिश करता है इस साइड को। जब तुम इस तरफ से फूंक मारोगे किसी चीज़ में तो वो इस तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस ओर आने की कोशिश करेगा और इस ओर आने की कोशिश करेगा तो वो किस दिशा में आने की कोशिश कर रहा है, वो किस दिशा की ओर आने की कोशिश कर रहा है, इस दिशा में आएगा ना। इस दिशा की ओर से जब हवा चलेगी, जब इस दिशा की ओर आएगा, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, इस दिशा में आएगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इस दिशा में आ रहा है, खुद देखो ये इस दिशा में आ रहा है, तो क्या होगा उत्तर पश्चिम। यहाँ से चल रहा है वो दक्षिण पश्चिम से, यहाँ से जब चलेगी दक्षिण पश्चिम से इस ओर चलेगी तो क्या नाम है ये उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।